नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दोबारा। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो मामले में एनआईए को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान यह पता चला है कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वाजे उसमें धमकी भरा लेकर डालना खुल गया था। पीछे से आ रही इनोवा में बैठ कर कुछ दूर जाने के बाद वाजे को इस बात का ध्यान आया। इसके बाद वह फिर से मौके पर पहुंचा और स्कॉर्पियो पे लेटर प्लांट किया। एनआईए सूत्रों की माने तो इसी जगह वाजे से चूक हुई और लेटर प्लांट कर वहां से निकलने के चक्कर में वह आसपास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उस दौरान वाजे ने सफेद रंग का ढीला कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसे पहले पीपी किट भी कहा गया। सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो में एक टाइप लेटर रखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रिय नीता भाभी और मुकेश भैया और परिवार, यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार आपके परिवार के पास उड़ान भरने के लिए प्राप्त सामान होगा, सावधान रहे। पिछले सप्ताह पहले एनआईए की टीम वाजे को लेकर इसी जगह फिर से आई थी और उस सीन को रिक्रिएट भी किया गया था, यानी अपराध जिस तरह हुआ था उसे दोहराया गया। इसके पीछे एनआईए का मकसद था कि इस मामले की जांच में कोई कमी ना है। इस दौरान वाजे को सफेद कुर्ता पजामा पहनाकर एक डमी स्कॉर्पियो तक चलाया गया था, जिससे मामले का खुलासा हो सके। जांच में यह भी सामने आया है कि इस मामले में लॉजिस्टिक हेल्प के लिए वाजे ने विनायक शिंदे को 50,000 रुपए दिए थे। सूत्रों के अनुसार शिंदे के जरिए वाजे एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो दक्षिण मुंबई में एक क्लब चलाता है। इस क्लब में जुआरी और सटोरियों की काफी भीड़ जमा होती थी, यही उसकी मुलाकात इस मामले में गिरफ्तार बुकी नरेश गोरे से हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि सचिन वाजे की एक बड़ी कमाई क्रिकेट सटोरियों से भी होती थी। मैच के दौरान उनके अब्जों पर छापा ना पड़े, इसके लिए कई सटोरियों पहले ही वाजे तक करोड़ों रुपए पहुंचा दिया करते थे। इनमें गुजरात का क्रिकेट बुकी नरेश धरे उर्फ नरेश गौर भी था। वाजे को पता चला कि सट्टे का पूरा कारोबार बेनामी सिम कार्ड से फ्री होता है, इसीलिए उसने फरवरी में नरेश गोरे से कुछ सिम कार्ड देने को कहा था। जांच के दौरान महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स ATS की टीम ने 3 मोबाइल फोन के हिस्से बरामद किए हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल मंसूर खेरिंग को कॉल करने के लिए किया गया था। वाजे ने इसे अपने एक परिचित के जरिए नष्ट करवाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने 3 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। जिस व्यक्ति ने वाजे को 4 मोबाइल फोन दिलाने में मदद की, उसकी पहचान पुलिस ने कर लिया है, उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। एनआईए 2 और हाई एंड कारों की तलाश में है जो कथित रूप से सचिन वाजे ने इस्तेमाल की थी। इनमें से एक आउटलैंडर है। इससे पहले एनआईए ने 5 और महाराष्ट्र ATS ने एक कार जब्त की है। ATS ने जब्त कार की डिटेल एनआईए को ट्रांसफर कर दी है और लगातार पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है। तो खास खबर के लिए बने रहिए।